students, today's topic AI, acute respiratory infection. इंडिया के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है काफ़ी सीवियर या कॉम्प्लिकेशंस कंडीशंस होती है इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में, एंड ये लीड करता है मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी को. और जो पीडियाट्रिक वार्ड्स इन हॉस्पिटल्स हैं, यानी पीडियाट्रिक वार्ड्स में जो एडमिट होने वाले बच्चे हैं जिनमें काफ़ी बीमारियाँ संक्रमित होते हैं, उनमें 30% जो डेथ होती है बच्चों में, उनको उनका मेन रीजन माना गया है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंडीशंस. 30% बच्चों की डेथ जो पीडियाट्रिक वार्ड्स में एडमिट होते हैं उनमें जो रीजन होता है मेन वो होता है AR. डेफिनेशंस में ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज ए एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्लूड स्ट्रेचर कैरेटिक साइनस जो भी शेविंग एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ जैसे पार्ट होता है इंक्लूडिंग में पैरा में जो साइनस है पैरोनियल कैविटी है एंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन है. इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है रेस्पिरेटरी का वो इन्फेक्शन के साथ अपने सिम्टम और साइन के साथ में नोज टू एल्वोलाई वाइड रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन होता है. जो इन्फेक्शन रेट होती है जो इसकी होती है वो होती है 30 days ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और मिडिल ईयर इन्फेक्शन की 14 days. मोस्टली भी ये यंग चिल्ड्रंस को ही इफेक्ट करता है, खासतौर से जो 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं. नेक्स्ट पे लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द AR. फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंफेक्शन. दूसरा डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट लंग. थर्ड डिपेंडिंग ऑन द सीवीटी ऑफ इंफेक्शन. तो ये क्लासिफाई किया गया है AI को. फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द इंफेक्शन, यानी साइट जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी साइट है या लोअर रेस्पिरेटरी साइट है. सेकंड डिपेंडिंग ऑन द ऑटो इन्वॉल्वमेंट, जैसे ब्रोंको निमोनिया कंडीशन है, ब्रोंको निमोनिया है, ये निमोनाइटिस कंडीशन है. अब नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द अपर सिमेट्रियम, ये डिपेंड करती है एज के अकॉर्डिंग. अगर जो चिल्ड्रंस है वो 2 months से लेकर 5 years तक है उसमें कंडीशन क्लियर सी है इन्फेक्शन की, जैसे कि निमोनिया कंडीशन है या नॉन निमोनिया है या सीवर निमोनिया है या वेरी सीवियर निमोनिया है. सेकेंड जो 5 years के जो बच्चे हैं उनमें कंडीशन सेम नॉन निमोनिया सीवर निमोनिया या वेरी सीवियर निमोनिया. अब इतने हैं निमोनिया. निमोनिया एक्चुअली क्या होता है, निमोनिया
रिमोट इन्फेक्शन होती है, उसमें क्या होता है, लंग का इन्फेक्शन होता है, पेरिकार्डियल टिश्यू, इसमें क्या होता है, कॉन्सिडरेशन ऑफ एम्बोलाई और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू विद इन्फेक्शन। डॉर्मिंग लैंग्वेज में जैसे कि निमोनिया एक दोनों लंग्स के इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, जो एम्बोलाई है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, इस वजह से बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया जो पॉजिटिव कारण होते हैं निमोनिया के, फर्स्ट होता है बैक्टीरियल, फर्स्ट कॉज ऑफ द निमोनिया में पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरियल, सेकेंड वायरल, थर्ड पंचवाद, फंगल एंड जैसे ले लेते हैं तो उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, और निमोनिया कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू केरोसिन पॉइजनिंग, जैसे क्लिनिक केमिकल निमोनिया को बोलते हैं, एंड लोकल निमोनिया। सेकेंड होता है जैसे प्रोटोजोअल में है, प्रोटोजोअल में जैसे हेमोसाइटिक केरेमी है या लिमिटेशन जैसे टाइपर्ट कंडीशन है। अब लेते हैं इसमें सिम्टम ऑफ एआरआई जो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड डिपेंड ऑफ एज, यानी जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड ऑफ एज एंड पॉजिटिव और रीजन पे डिपेंड करती है। तो पहला है अगर नॉर्मल इन्फेक्शन से या नॉर्मल एयर है तो उसमें जैसे कफ, फीवर, एनोरक्सिया, इरिटेबिलिटी, चेस्ट पेन एंड चिल्स, ट्रेकिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ईयर प्रॉब्लम्स होती है। अगर अपर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कुछ इन्फेक्शन है तो कब होगा, वो कब ड्राई होगा और वो कंटिन्यू 5 डेज तक होगा। नेक्स्ट अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस कंडीशंस है तो उसमें जो कब की कंडीशन होगी, साथ में उसमें कोर्स ये कंडीशन साथ में होती है, कोर्स इरिटेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो लंग्स में इरेगुलर साउंड्स की सिम्टम्स सुनाई देता है, जिसको कहते हैं कोर्स इरिटेशन साउंड। नेक्स्ट एक्यूट ब्रोंकाइटिस कंडीशन है तो कफ, मॉडरेट टू फीवर, साइनोसिस कंडीशन शुरू होती है, रिहाइड्रेशन, रेस्पिरेटरी अनयूजुअली रिएक्शन, एडमिशन, साउंड ब्रीथिंग साउंड, ये है क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द। नेक्स्ट करते हैं इसमें अगर निमोनिया वाली कंडीशन है तो इसमें कौन कौन सिम्टम होंगे, ओनली कफ और कोल्ड इंडिकेटर्स है। अगर कफ है नॉर्मल तो वो नॉन निमोनिया वाली कंडीशन है, अगर ब्रीथिंग है साथ में कफ है और कोल्ड इंडिकेशन है तो वो निमोनिया कंडीशन नहीं है, निमोनिया कंडीशन है बट सीवियर नहीं है। अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग विद विदाउट फास्ट ब्रीथिंग इंडिकेटर सीवियर निमोनिया, अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग विद और विदाउट फास्ट ब्रीथिंग है तो वो एक सीवियर निमोनिया कंडीशन को इंडिकेट करता है। वेरी सीवियर डिजीज इंडिकेटेड पेशेंट्स ऑफ डेंजर लाइक इरिटेबिलिटी ऑफ ब्रीथ, एक्सेसिव ड्राउनेस, स्टूडी काम टू डाइट, ग्राउंडिंग साउंड, ब्रीथिंग, साइनोसिस, एपनिया, फीवर ऑफ हाइपोथर्मी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कन्वर्जेंस। नेक्स्ट देते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोस्टिक में हम क्या क्या मेथड करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट है निमोनिया और एआरआई कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा हम चेस्ट का जो साउंड है, ग्राउंडिंग साउंड, इसके द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं किस प्रकार का कंडीशन से है। जो इधर दूसरा नेक्स्ट इसमें एक्सरे चेस्ट, अगर सेकंड काफी सीवियर कंडीशन है तो टीएनसी, ईसी, ईएसआर जो ब्लड इंफिल्ट्रेशन होते हैं वो भी इसमें डायग्नोस्टिक मेथड के हिसाब से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन इसमें
पिलोरी इन्फेक्शन से, एम्फाइसीमा है, एटेलेक्सिस है, लंग एब्सेस से, पिलोरी इन्फेक्शन से, ब्रोंकाइटिस से और ओटिटिस मीडिया, ये कंडीशन जो कॉम्प्लिकेशन हमें ड्यूरिंग एआरए मिल सकते हैं। अब एक मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे इस कंडीशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स जैसे सेफ्रोजोन है, एमोक्सिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सेफोलेक्टिन है, ये इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन के यूज की जाती है। ब्रोंकल डायलेशन डायलिफाइलिन से साल्बोकोटामोल है, ये ब्रोंकल डायलेशन जैसे निमोनिया कंडीशन से या एआरआई कंडीशन है तो उसमें यूज किया जाता है। दूसरा डायट्री को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यूज होता है सपोर्टिव मेजर ऑफ जैसे इंक्लूडिंग बैंडेज है, प्रॉपर पोजिशन है जिसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ना हो, स्टेरॉइड्स है एंड एडिक्वेट फूड डाइटरी इंटेक, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, हाइजीन हाइजीन को पूरा हाइजीन मेजर है। हाइजीन मेजर जैसे कि अगर इन्फेक्शन कंडीशन है तो आइसोलेट्स वाली कंडीशन जरूरी है जिससे इन्फेक्शन से बचा सके। जो इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट कंडीशन है उसको भी काफ़ी हमें बचाव रखना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन कंडीशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेसिस ऑफ द एआरआई, प्रोग्रेस इज गुड अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंजेक्शन ट्रीटमेंट एप्रिशिएट टाइम, यानी प्रोग्रेसिस अगर सही टाइम पे हमने इंफेक्शन को कंट्रोल कर लिया या डायग्नोस कर लिया तो इसमें हम आसानी से ए आर आई पेशेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।